उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रोडवेज बस और पिकअप गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस खाई में जा पलटी। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई, वही 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 10 गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। थाना पूरनपुर के NH 730 नेशनल हाईवे पर सुबह करीबन 4 बजे यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर SP सहित 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई, रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। फिलहाल घायलों का पीलीभीत के जिला अस्पताल और बरेली में इलाज कराया जा रहा है। हम लोग लखनऊ से टनकपुर के लिए माता जी के दर्शन करने जा रहे थे, अचानक रास्ते में पूरनपुर के बीच में गाड़ी पलट गई, काफी नुकसान हुआ, करीब 15-20 लोग घायल हो गए हैं, 7-8 लोग की मौत हो गई। क्या हादसा हुआ है? मेरा नाम महेश कुमार है। ये बस लखनऊ से पीलीभीत जा रही थी, रास्ते में जो हाईवे है मार्ग पर पिकअप द्वारा एक्सीडेंट हुआ है। पिकअप का एक व्यक्ति खत्म हुआ है और 6 बस के खत्म हो गए। देखिए, एक बस वहाँ लखनऊ से पीलीभीत आ रही थी, उसमें काफ़ी सवारियाँ बैठी थी और इधर पूरनपुर की तरफ से एक पिकअप जा रही थी जिसमें भी सवारियाँ बैठी थी। अचानक पूरनपुर और शहरा मऊ के बॉर्डर पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे बस जाके खाई खेत में पलट जाती है और पलटने से सारी सवारियाँ उसमें दब जाती हैं। जो पिकअप में सवारी बैठी थी उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं और अभी तक वहाँ से हम लोगों ने सभी को रेस्क्यू कर लिया है, हॉस्पिटल ले आए हैं, जिसमें 7 लोगों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है और यहाँ से करीब 9 लोगों को हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। तमाम लोगों का यहाँ फर्स्ट एड चल रहा है। बाकी जो अभी घायलों की संख्या है, ये हम उसको जोड़ लें पूरी, तो भी मृतकों और घायलों को मिला के 25 के आसपास उठी हुई है। कुछ लोग और सवारियाँ घायल हैं जिनको बहुत हल्की फुल्की चोट है, उनको भी फर्स्ट एड दिया गया है। जानकारी लगी कुछ कहाँ कहाँ के लोग थे? इसमें ज़्यादातर लोग ये पीलीभीत और इसके आसपास के ही हैं, क्योंकि ये वहाँ लखनऊ से चले थे और ये पीलीभीत की ज़्यादातर सवारियाँ हैं, तो चाहे वो पूरनपुर के हैं या पीलीभीत के हैं या आसपास के जनपदों को हैं, जो पीलीभीत से आगे को जाते हैं, कनकपुर या है।